हेलो गाइस, माय नेम इज भरत सिंह पड़ियार एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलिंग छोरा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था करणी माता मंदिर, और अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको नेडजी मंदिर, जो करणी माता का प्राचीन धाम माना जाता है। तो चलो दिखाते हैं आपको नेडजी मंदिर। गाइस, नेडजी मंदिर करणी माता के मेन मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो चलो चलते हैं, आपको घुमाते हैं आज नेडजी मंदिर। तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं नेडजी मंदिर। चलो आपको दिखाते हैं मंदिर के कुछ शानदार नज़ारे। ये बात है सन 1387 की। मारवाड़ के सुआप गांव में मेहोजी चारण के घर छठी बेटी का जन्म हुआ। मेहाजी को एक बेटे का इंतजार था। मेहाजी ने अपनी छठी बेटी का नाम रिद्धूबाई रखा। लोक कथा है कि किशोर काल में रिद्धू बाई ने अपनी बुआ की टेढ़ी अंगुली को एक स्पर्श से ठीक कर दिया। इसके बाद उसकी बुआ ने उसे नया नाम करणी दिया, करणी माने चमत्कारी। शादी लायक उम्र होने पर पिता मेहोजी ने करणी की शादी उनके साटी के गांव के दीपूजी चारण से कर दी। शादी के बाद करणी ने साफ कर दिया कि उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। करणी ने अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी दीपूजी से करवा दी और खुद को ग्रस्त जीवन से अलग रखा। उस दौरान मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा और दीपोजी ने अपनी और अपने मेहोशियों की जिंदगी बचाने के लिए मारवाड़ से जांगलू की तरफ रुख किया। यहाँ के एक गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया। उस समय तक राव चुंडा मारे जा चुके थे और उसके बेटे काना राव कानजी का शासन इस इलाके में चलता था। यह वही जगह है जिसे आज नेडी मंदिर के नाम से जाना जाता है और करणी माता की पूजा की जाती है। नेड़ी एक लकड़ी की बनी होती है जिससे हम बिलोना करते हैं राजस्थान में, और उसी नेड़ी ने एक दिन जो लकड़ी थी सूखी, उसी ने एक दिन पेड़ का रूप ले लिया। उसी कारण इसको नेड़ीजी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर माता जी बिलोना करते थे और अपनी गायों को चराते थे। यहाँ पर एक गुफा है, चलो आपको दिखाते हैं वो गुफा। इस गुफा में भगवान शिव का एक मंदिर है जिनकी करणी माता अपने इष्ट देव के रूप में पूजा किया करते थे। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद चलते हैं बाहर।
इसी के साथ करते हैं अपना ब्लॉग समाप्त। अगला ब्लॉग बहुत ही जल्द आ रहा है, सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।